सभी को जय श्री राम। बद्रीनाथ से अमरनाथ की पैदल यात्रा का आज है मेरा 28वां दिन और अभी इस वक्त मैं पठानकोट से यही कुछ 45-50 किलोमीटर पीछे हूँ और आगे चल के एक छोटा सा टाउन आने वाला है जिसका नाम है मुकेरियन। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा मैं किस प्रकार से एक माँ दुर्गा माता के मंदिर में रुका हुआ था, तो आज मौसम वैसे काफ़ी ठीक है लेकिन फिर भी 20-25 किलोमीटर ही चलना है क्योंकि काफ़ी करीब आ चुका हूँ पठानकोट के भाई, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी मुकेरियन जो सिटी है वो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बाबा जी हैं दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, लगता माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए बाबा की साइकिल यहाँ खड़ी है और बाबा आगे दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। वाह भाई, श्रद्धा देखो, आस्था देखो भगवान के प्रति। ये देखो ये बाबा जी की साइकिल यहाँ खड़ी है। जय माँ वैष्णो देवी दंडवत यात्रा। बाप रे, कब चले थे यार? 22/8/2022 को चले थे, वो भी गोरखपुर से। भाई बाबा से पूछा मैंने, काफ़ी दूर है, मैं बोला आपकी साइकिल लेके आऊँ, क्या बोलते हैं लेके आओ, तो लेके चलता हूँ इनकी साइकिल को। बाबा का जो दंडवत यात्रा है ना वो देखकर मुझे ना सच में, मुझे भी कभी आगे मौका मिलेगा तो दंडवत यात्रा करूँगा। तो ये बाबा जी की साइकिल है, बाबा जी आगे बैठे हुए हैं, कल मंदिर में मिले थे, तो इनकी साइकिल मैं लेते चलूँगा, थोड़ी देर तक हेल्प करूँगा इनकी और ये दंडवत यात्रा करते हुए चलेंगे। तो अभी बाबा जी से मिलाते हैं, हम आप लोगों को पूछेंगे बाबा जी के बारे में कैसे क्या है। जय माता दी। जय माता दी। बाबा जी आपका नाम क्या है? छेदी संत। आप मुझे ये बताइए, जो आप माँ वैष्णो देवी के लिए दंडवत यात्रा कर रहे हैं, आपके मन में ये विचार कैसे आया? ये विचार माता जी दे ही है तभी आया है। अच्छा, जग कल्याण के लिए जा रहे हैं, जगी कल्याण के लिए है माँ, जग के कल्याण हो उसके बाद हमारा भी कल्याण हो। जी 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 जी, मेरे परिवार की भी हो। जी बहुत बढ़िया। वैसे आप बाबा जी रहने वाले? जिला गोरखपुर, थाना खजनी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के? हाँ, उत्तर प्रदेश। जी जी, आपको कितना समय हो गया अभी तक इस जगह पहुंचने में? 11 महीना चल रहा है ये। अच्छा, मतलब आप 11 महीने में आप यहाँ आ गए हैं पंजाब राज्य के आखिरी छोर यानी जम्मू कश्मीर बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले। हाँ, पठानकोट के इधर ही। अभी आपको कितना समय लगेगा बाबा वहाँ तक पहुँचने में? अभी समय लगेगा आपको हमारा कम तो नहीं, नौवीं नवरात्र तक हमको पहुँचना है, नवरात्र तक। अच्छा, नवरात्र तक पहुँचना है। हाँ। तो बाबा देखिए पैर में बाबा के ये कैप लगा रखे हैं ताकि घुटने कटे ना। और भाई रोड पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी गिट्टियाँ होती हैं लेकिन अब बाबा इनकी आस्था है, इनकी श्रद्धा है माँ वैष्णो देवी के प्रति, अब दंडवत करते हुए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। हर किसी के बस की बात भी नहीं होती और हर किसी को ये ऐसा मौका भी नहीं मिलता है। बाबा जी आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय माता दी। जय। देखिए भाई बाबा जी कितनी मेहनत कर रहे हैं माता रानी के दरबार तक पहुंचने के लिए। तो बाबा जी ऐसे ही दंडवत प्रणाम करते आते हैं और उनकी साइकिल पीछे खड़ी है, तो अभी मैं यही कुछ 100 मीटर की दूरी पर उनकी साइकिल खड़ा कर दूंगा। बाबा जी ने बोला है कि एक काम कीजिए आप, चलिए मैं आता रहूँगा क्योंकि बाबा जी को तो बहुत समय लगेगा, अभी बाबा जी को 3 महीने लग जाएंगे बोल रहे हैं। जय माता दी। एक ख़ास बात और है भाई, बाबा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा करते हुए बहुत कम लोग देख पाते हैं और जो देखते हैं जो रुकते हैं बाबा की थोड़ी बहुत सहायता भी करते हैं खाने पीने से लेके सभी चीज़ों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाबा को 11 महीना हो गया घर से निकले और बाबा अभी 90-100 दिन लगा देंगे वैष्णो देवी माता के दरबार तक पहुँचने में। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो जितना भी हो सके, बाबा की ये भक्ति देख कर ना मेरे मन में भी भक्ति ये जाग रही है भाई कि दंडवत यात्रा करूं कहीं 100, 200, 400, 500 किलोमीटर की, आगे फ्यूचर में कभी चल के मौका मिलेगा तो ऐसी यात्रा मैं भी करूंगा। वापस मैं जा रहा हूं साइकिल लेने बाबा जी की, कम से कम यार 100-200 मीटर की दूरी पर खड़ी कर दूँगा, थोड़ा सा तो आराम मिलेगा ना उनको क्योंकि अभी वो दंडवत यात्रा करेंगे, वहाँ जाएँगे, कोई मिलेगा तो शायद उनकी साइकिल ले जाएगा आगे, नहीं तो वो खुद आएँगे फिर उसी जगह साइकिल ले कर जाएँगे और साइकिल खड़ी करके फिर से स्टार्ट करेंगे। साल 1.5 साल के लिए घर से निकले हैं
तो सामान लेके तो चलना पड़ेगा ना सभी चीज़ों के लिए, तो सुविधाएं होनी अपने पास बहुत ज़रूरी है भाई। आजकल के टाइम पे बस गिने चुने लोग ही मदद किया करते हैं। तो बाबा जी की साइकिल ले चल के आगे खड़ी कर देता हूँ, फिर मैं निकलूँगा। और वैसे तो मैं बाबा जी के साथ दो तीन दिन चल सकता था, लेकिन बाबा मना कर रहे हैं। मैंने बोला चलो खैर कोई बात नहीं। तो भाई आप लोग है ना, प्लीज़ इस वीडियो को यार शेयर करो, जितना भी हो सके शेयर करो। ऐसा शेयर करो कि बाबा जी के घर तक पहुंच जाए वीडियो। बाबा जी की साइकिल मैंने यहाँ खड़ी कर दी है, बाबा ने बोला यहीं खड़ी रहने दो अब, क्योंकि बाबा जी की साइकिल भी ना बाबा जी के करीब ही होनी चाहिए, ज़्यादा दूर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई अब मैं निकलूँगा यहाँ से, और बाबा जी को मेरा प्रणाम बहुत ढेर सारा। माता रानी की कृपा बाबा जी और बाबा जी के पूरे परिवार पर बनी रहे। जय माँ वैष्णो देवी। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो बाबा जी की सेवा करने गए हैं, ये देखो क्या सौभाग्य की बात है। धन्य हो गया आज मैं कि बाबा जी से मुलाकात हो गई मेरी। यार बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं यार, किसके बस की है मुझे बताओ, किसके बस की है भाई 11-12 महीने तक चलना ऐसे दंडवत यात्रा करके, वो भी 1400-1500 किलोमीटर का। मैं तो खैर ठीक हूँ भाई, मैं यंग हूँ तो पैदल चलना मेरा मतलब एक आम बात हो गई है। वो बुढ़े हैं और कम से कम उनकी उम्र होगी यही कुछ 60-62 साल की, हो सकता ऊपर नीचे हो। धन्य हो गया यार मैं। वैष्णो देवी माता के तो दर्शन मैं आप लोगों को कराऊंगा ही कराऊंगा, और उससे पहले मैं बाबा बर्फानी वाले के दर्शन करना चाहता हूँ। अमरनाथ की अमर कहानी है भाई, अमर कहानी है। तो बाबा जी से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, उनके साथ छोटी सी वीडियो बनाई है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर दबा के कीजिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार कि कुछ बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों तक, ताकि आप लोगों को पसंद आए। ओ तो बाबा जी को पीछे छोड़ दिया, साइकिल उनकी साइड में खड़ी कर दी थी 100-150 मीटर की दूरी पर, और बाबा अकेले ही ठीक है क्योंकि बाबा को रास्ते में कोई ना कोई चाय पानी खाना पीना के लिए पहुंचता ही रहता है, और थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं बाबा को, तो अच्छी बात है। मैंने भी उससे जितना हो सका दिया हूँ, वीडियो में तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया हूँ, लेकिन मैंने दिया, आशीर्वाद लिया। और मैं चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि सभी लोगों के घर परिवार में माता रानी की कृपा बनी रहे और बाबा बर्फानी वाले की भी कृपा बनी रहे। खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। मुकेरियन सिटी पहुंचने वाला हूं, और गुरदासपुर है इस तरफ 26 किलोमीटर, पठानकोट 40 किलोमीटर। और मैं बता दूं आप लोगों को, गुरदासपुर से अमृतसर जाया जा सकता है, 26 किलोमीटर है गुरदासपुर, उसके बाद अमृतसर। तो टोल रोड स्टार्ट, मतलब भाई अब सर्विस रोड स्टार्ट हो गई है, आगे चल के टोल प्लाजा मिलने वाला है। भाई मुकेरियन सिटी में पहुंचने वाला हूं, और अभी मैंने भाई एक बड़ी वाली ट्रक में देखा बहुत से लोग बैठे हुए हैं, खच्चर लदे हुए हैं भाई उसमें, और जा रहे हैं अमरनाथ की यात्रा में। अब मुझे तो नहीं पता वैष्णो देवी माता में खच्चर चलते हैं या नहीं, लेकिन अमरनाथ की यात्रा में खच्चर चलते हैं। तो भाई भंडारे वाले खच्चर वाले सब लोग धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं अब, क्योंकि 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो जाएगी अमरनाथ जी की। मैं मुकेरियन सिटी आ चुका हूँ, और आगे से चल के एक बार राइट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीधा जाना पड़ेगा। तो बहुत लंबा सिटी है भाई ये मुकेरियन, यही कुछ 3-4 किलोमीटर की रेंज पर है। 2-3 किलोमीटर तो चल के आ गया हूँ सिटी के अंदर अंदर, तो अभी सिटी के अंदर अंदर 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। भाई देखिए ये पुराने ज़माने का टेम्पो है, अभी भी चल रहा है। दोपहर को 1:30 बज गए हैं, और सुबह से मैं सिर्फ और सिर्फ 8-9 किलोमीटर ही चला हूँ, और अभी मुझे 20 किलोमीटर चलना है। इस तरफ गन्ने की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भाई अमरनाथ यात्रा शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, और मैं इस रोड पर देख रहा हूँ लोग जो भंडारे वगैरह चलाते हैं वो सामान लेके गाड़ियों में जा रहे हैं अमरनाथ की यात्रा में, जो खच्चर अपना खच्चरों से जो सवारी ले आएंगे, खच्चर भी ट्रक में लाद लाद के लेके जा रहे हैं। इस ढाबे पे खाना खाने वाला हूँ मैं अभी। क्या आप लोग जो कमेंट करके बोलते हो ना कि ढाबा में खाना खाते समय वीडियो बनाया करो, तो भाई स्टैंड वगैरह तो कुछ है नहीं मेरे पास,
और दूसरी बात यार, बहुत मतलब बैटरी का खर्चा रहता है, चलते चलते कुछ ना कुछ चुटुर पुटुर करता रहता हूँ फ़ोन में, तो बैटरी नहीं रहा करती है। तो 12-1 बजे जब मैं खाना खाया करता हूँ तो उसी वक्त चार्जिंग में लगा दिया करता हूँ, चार्ज हो जाता है। और खाना खाते समय वीडियो नहीं बना पाता यार, मतलब यार मैंने ना एक फूड ब्लॉग का चैनल भी बना रखा है, तो बस कुछ दिनों का समय दे दो आप, यात्रा ख़त्म होने के बाद मैं फूड ब्लॉग चैनल पर भी जो है वीडियो डालूंगा, और इस पर भी कहीं भी खाना वगैरह खाया करूंगा तो उसकी भी वीडियो शेयर करा करूंगा। तो भाई पुराने ज़माने की यादें, देखिए अभी भी ये वाला टेम्पू चलता है। वाह, बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलता है भाई ये टेम्पू। शाम को बज गए हैं 6 और आज मुझे 7-7:30 बजे तक हिमाचल प्रदेश पहुंच जाना है। जी हाँ, इस वाली लाइन पर कुछ किलोमीटर की रेंज में हिमाचल प्रदेश का भी बॉर्डर आता है, मतलब हिमाचल प्रदेश आता है। तो भाई वहाँ एक शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, तो वहीं आज चल के रुकने का विचार है मेरा। फिलहाल अगर उन्होंने ना बोल दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, क्योंकि उसके बाद कोई भी मंदिर नहीं है। मंदिर हैं लेकिन बहुत लंबा। तो भाई कोशिश जारी है अपनी आज शाम को हिमाचल प्रदेश में रुकने की। सामने है टोल प्लाजा, टोल प्लाजा के उस पार जैसे ही मैं जाऊंगा कुछ ही मीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। इस जगह से 50 मीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लग जाता है, चेक पोस्ट नाका है, वहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, उस तरफ ट्रक रुका लिए हैं। तो भाई अब मैं हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाला हूँ। तो ये समतल ज़मीन का हिमाचल प्रदेश है भाई, पहाड़ों का नहीं है, इधर पहाड़ नहीं है, पहाड़ बहुत दूर हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ये जो बॉर्डर है पीछे लगता है, अगर इस चेक पोस्ट से अगले वाले चेक पोस्ट तक की दूरी देखी जाए तो यही कुछ 2.5-3 किलोमीटर की है। शाम को बज गए हैं 7 और मैं शिव जी के मंदिर तक तो आ चुका हूँ, वो सामने मंदिर दिख रही है, तो उस तरफ वाली रोड पर जाना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं यार वहाँ व्यवस्थाएं हैं भी या नहीं। मतलब जगह होगा, स्पेस होगा तो कहीं भी बिछा के सो जाऊंगा, वैसे भी कई दिनों से मच्छर ही चूस रहे हैं खून मेरा। सामने है मेन रोड और मेन रोड के जस्ट सामने शिव जी का मंदिर, तो यहाँ आ गया हूँ भाई। 7 बजे बैग रख दिया है, अभी जूते उतारूँगा, पानी पी लेता हूँ पहले, फिर अंदर चल के बैठूँगा पंखा चला के। चलिए सबसे पहले आप सब लोग महादेव के दर्शन कीजिए और प्रेम से बोलिए, सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। सामने है शनि भगवान और इस तरफ है तुलसी माता, वहाँ नंदी जी हैं और शिव जी सामने विराजमान हैं, इस तरफ है बजरंगबली, बजरंगबली के भी दर्शन कर लीजिए आप, जय बजरंगबली। और मंदिर परिसर ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, हाँ फिर भी ठीक है भाई। ये देखिए ऐसा मैदान पड़ा है, इधर पंखा चला के सो जाऊँगा। ये पॉपुलर का पेड़ है, ऐसे पीपल के पत्ते जैसे दिख रहे हैं ना, और ये मंदिर परिसर है, काफ़ी खूबसूरत है महादेव का मंदिर। फाइनली मैं शिव जी के मंदिर तक पहुंच चुका हूं और आज रात यहीं रुकने वाला हूं। और फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सभी की आईडी सेम है, मुसाफिर अनुराग। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द किसी अच्छी सी खूबसूरत सी वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय बद्री विशाल।